हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये एक कॉमन एक इलनेस है, कॉमन एक कॉज है कि आपके डॉग की बॉडी के ऊपर टिक्स, माइट्स, मेंजेस या फ्लीज आ ही जाते हैं। तो गाइस, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, इनको हम बेसिकली इन्फेस्टेशन बोलते हैं। इन्फेस्टेशन क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स का होस्ट की बॉडी के ऊपर लग जाना या किसी वजह से वो आ जाता है, तो ये कुछ सिचुएशन हो जाती है जो इन्फेस्टेशन को क्रिएट करवा देती है, तब हम इनको वेटनरी लैंग्वेज में इन्फेस्टेशन बोल देते हैं। अब गाइस, कारण क्या है कि हमारे डॉग के ऊपर ये जो टिक्स, फ्लीज, मेंजेस, माइट्स आ कहां से रहे हैं, तो हमें ये बात जरूर ध्यान देनी है कि जब भी हम अपने डॉग को बाहर घुमाने लेके जाते हैं, तब वो स्ट्रीट डॉग के कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर वो स्ट्रीट डॉग के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसके थ्रू भी, फ्लीज के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, डॉग की बॉडी के ऊपर मैगट्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है, जो आगे चल के क्रॉनिक सिचुएशन में चली जाती है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती है। तो आपको इसके बारे में ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब भी गाइज हम घुमाने लेके जाते हैं, तब हम पार्क्स वगैरह में लेके जाते हैं, जो 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 छोटे छोटे जो टिक्स होते हैं, ये घास की जो लेयर होती है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। आपका जब डॉग है, जब वॉकिंग करता है, जब वो मूवमेंट करता है, तो वो पाव्स जो होते हैं, यानी जो पंजे जो होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसके अंदर वो चिपक जाते हैं। आपको भी नहीं पता चल पाता कई बार कि ये टिक्स मेरे डॉग की बॉडी के अंदर कैसे आए हैं। तब आपको हम यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप अपने डॉग को बाहर से घुमा के अपने घर के अंदर लेके आ रहे हो, तब उसके उसके दोनों पैर अच्छे से आप उसे वॉश कीजिए, ताकि वो क्लीन रहे और आपको भी एक संतुष्टि हो कि आपके वो घर के अंदर टिक्स माइट्स को नहीं लेके आएगा। तो हमारी जो वीडियो का जो मेन जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट होने वाला है। ये टॉपिक क्या है कि हमें कैसे हमारे डॉग को ट्रीट करना है, कि अगर आपका डॉग इस बीमारी से या इस एक कंडीशन से सफ़र कर रहा है, यानी टिक्स के अटैक से, आपको गाइस क्या करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, RIDD यानी रिड के नाम से एक मेडिसिन आती है, 15 ml की एक मेडिसिन है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। 250 से 270 तक प्राइस रहता है इसका, 270 तक प्राइस रहता है, आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज ये वेरी करता है। आपको गाइस कैसे करना है, आपको 2 ml लेना है, यानी इसमें से दो लिक्विड है, आपको 2 ml लेनी है और 1 liter वाटर के अंदर आपको मिक्स कर देना है अच्छे से, और उसे 2 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दोगे, अच्छे से उसे घुलने दोगे। आपको गाइस क्या करना है, अप्लाई करने से पहले आप अपने डॉग को एक ल्यूक वॉर्म वाटर से उसे साफ कीजिए, क्लीन कीजिए और उसे अच्छे से सूखने दीजिए। फिर आपको क्या करना है गाइस, एक क्लॉथ लेना है जो साफ सुथरा होना चाहिए, उस क्लॉथ को आप इस लिक्विड के अंदर डुबो देना अच्छे से, और जो वो लिक्विड है आपको अपने डॉग की जो स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है, आपको ये जरूर ध्यान देना है कि डॉग की आईज, डॉग का माउथ और ईयर उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आपको, यानी जो हम बोलते हैं ना, बिल्कुल एक सूखा हुआ सा जो कपड़ा होता है, हमें वो लेके रखना है, यानी हमें लिक्विडिटी नहीं रखनी, हमें थोड़ा सा उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेडिसिन उसके जो पोर्स होते हैं वहाँ पे गई है स्किन पोर्स में, तब आपको अच्छे से वो अप्लाई कर देनी है। बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट होगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे कितनी बार अप्लाई करना है। गाइस, आपने जो लिक्विड जो यूज़ किया है आप उसको 1 time अप्लाई कर सकते हो, यानी एक बार में आप 1 liter वाटर को अप्लाई कर सकते हो अच्छी जगह से, हर एक डॉग के बॉडी पार्ट्स पे आपको ये लगाना है। लेकिन आपको माउथ प्रोटेक्ट करने हैं, आईज प्रोटेक्ट करनी है और कान, यानी जो ईयर्स को आप प्रोटेक्ट करोगे। आपको गाइज हफ्ते में 2 बार आपको ये अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आज भी अप्लाई कर दिया, कल भी अप्लाई कर रहे हो, परसों भी कर रहे हो, रिएक्शन हो जाएगी, मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूँ। और अगर गाइज मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ, अगर आपका जो डॉग है किसी भी क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहा है, तब आपको उसे इमिडिएटली वेट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, अच्छा एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आप अपने डॉग की जान को बचा सकते हो। आपको कहीं से भी कोई भी वीडियो देख के ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ये एक फर्स्ट एड है जो ने आपको बता दी है, आशा करता हूं आपको ये अच्छी लगी होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो थी हमने ये इसी टॉपिक पे बनाई है, बिकॉज ये कॉमन एक कॉज है, गर्मियों के अंदर ये कॉज आता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताओ, तो गाइस ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। और इस जो लिक्विड की, इस मेडिसिन की खास बात ये है कि टिक्स की वजह से या फ्लीज की वजह से जो स्किन के ऊपर डिफेक्ट हुआ है, यानी जो स्किन जो डिस्टर्ब्ड हो गई है, वो फट गई है, कट गई है, या उसके अंदर ऐसे कोई पोर्स डेवलप हो चुके हैं,
जो ट्रीट नहीं हो रही, तब गाइस ये जो मेडिसिन होती है अपना एक अहम भूमिका निभाती है और उस चीज़ को ठीक करती है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। और गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप अपने डॉग से प्यार करते हो तो, बिकॉज गाइज हम आपके सामने ऐसी कुछ वीडियो लाते रहते हैं जो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होंगी। थैंक यू सो मच।